आशीष ट्यूशन क्लास चैनल अपन सकल के स्वागत समस्त रकम एडुकेशन संक्रांत इनफरमेशन चैनल अपनारा पे जा। नमस्कार दर्शकवृंद, यह मुहूर्त एक उल्लेख्य खबर हल जे आईसीएसई एवं आईएससी 2021-22 जे एग्जामिनेशन हार कथा छो फर्स्ट सेमिस्टर टी किन्तु पोस्टपोन कर देवा हल। अपनारा स्क्रिने देखते पाच्छेन जे एक नोटिस जारी करा हुए छे, तार डेट होच्छे 19 अक्टोबर 2021 एवं ये नोटिस टी ते कि रोये छे आमरा एटा पुरोपुरी देखे नेब। एखाने रोये छे डीआर प्रिंसिपल सबजेक्ट रोये छे पोस्टपोनमेंट अफ दि आईसीएसई एंड आईएससी इयर 2021-22 सेमिस्टार वन एक्सामिनेशन, अर्थात प्रथम जे सेमिस्टार हार कथा छिलो 2021-22 आईसीएसई एवं आईएससी से फार्स्ट सेमिस्टार किन्तु पोस्टपोन कर देवा हलो। एटा किन्तु बंध हबे ना, किन्तु एटा पोस्टपोन कर देवा, आपातत स्थगित रखा हुए छे। तो एखाने कि रोये छे नोटिस टीते आमरा एकटु देखे नेई। दि सीआईएससी हेज डिसाइडेड टू पोस्टपोन दि आईसीएसई एंड आईएससी इयर 2021-22 सेमिस्टर वन एक्सामिनेशन ड्यू टू रिजन्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल्स। अर्थात एखाने परिष्कार बला हयेछे जे 2021-22 जे प्रथम सेमिस्टर एक्सामिनेशनटी हवार कथा छिलो आईसीएसई एवं आईएससी 2021-22 क्षेत्रे, सेटी किन्तु आपातत स्थगित रखा हलो एवं कारण हिसेबे किन्तु एखाने सेरकम कोनो किछुर उल्लेख करा हयनि। अल स्टेकहोल्डार्स उइल बी इनफर्मड of the revised schedule of the examinations in due course of time। अर्थात परवर्ती क्षेत्रे समस्त छात्र छात्री देर एटा किन्तु जानिए देवा हबे जे पुनराय एई परीक्षाटी कबे हबे तार डेट एवं समय किन्तु परवर्ती क्षेत्रे तादेरके जानिए देवा हबे। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडलि डिसक्रिमिनेट दिस इनफरमेशन टू अल कन्सार्न। এবং সমস্ত এইচওআই দের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে বা বলা হচ্ছে যে এই তথ্যটা কিন্তু সমস্ত জায়গায় পৌঁছে দিতে, সমস্ত ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের কাছে পৌঁছে দিতে। দি ইনকনফিডেন্স কজড ইজ ডিপলি রিগ্রেটেড। তারপরে নিচে সিগনেচার রয়েছে চিফ এক্সিকিউটিভ অ্যান্ড সেক্রেটারি গ্যারি অ্যারাথান। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে আইসিএসই এবং আইএসসির যে ফার্স্ট সেমিস্টার সেটি আপাতত স্থগিত রাখা হলো, যেহেতু এই পরীক্ষাটি নভেম্বরে হওয়ার কথা ছিল, 16 তারিখ থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল, সেটি কিন্তু আপাতত স্থগিত রাখা হলো এবং কারণ হিসেবে কিন্তু সেরকম কোনো কিছুর উল্লেখ করা হয়নি। তো এটাই ছিল আজকের গুরুত্বপূর্ণ আপডেট। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটি, পরবর্তী আপডেট ভিডিও পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ।